दलितों पिछड़ों महिलाओं तक पहुंच बढ़ाएगी सपा। अखिलेश की अपील, गांव-गांव तक पहुंचाएं बीजेपी की नाकामियां। पिछड़ों के साथ दलितों में पैट बढ़ाने के लिए जमीनी अभियान चलाएगी रमाबाई। अंबेडकर मैदान में गुरुवार को आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी ज्यादा से ज्यादा माताओं बहनों के बीच जाए और सरकार की नाकामी के बारे में बताएं। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से कहा कि नवरात्र में हम प्रार्थना करते हैं कि सत्ता में बैठे लोग सच बोलने लगें। जिस दिन ये सच बोलने लगें, राजनीति के रसातल में पहुंच जाएंगे। आजम खां और दूसरे सपाइयों के उत्पीड़न का मामला उठाते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी नेताओं के घर वाले उठा लिए जाते हैं। वहीं एक आईपीएस 2 साल से फरार है, उसकी पत्नी और परिवार वालों से सरकार कब पूछताछ करेगी। सम्मेलन में अंबिका चौधरी ने राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पेश किया। इसमें अखिलेश के नेतृत्व की तारीफ करते हुए उनकी सक्रियता को लेकर उठने वाले सवालों पर सफाई भी दी गई। प्रस्ताव में कहा गया है कि अखिलेश 24 घंटे तक गाजीपुर से लखनऊ बिना रुके यात्रा निकालते रहे, जिसके चलते यूपी में हार तय देख सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। अखिलेश के विराट व्यक्तित्व के सामने भाजपा तमाम अनियमितताएं करके भी टिक नहीं सकती। प्रस्ताव में जातीय जनगणना, किसानों की बिजली बिल माफी, सांप्रदायिक राजनीति जैसे मसलों पर भी जोर दिया गया है। सम्मेलन में तंज के तीर भी चले। पुराने समाजवादी नेता रामजीलाल सुमन ने मंच संचालक पर ही सवाल उठा दिए और कहा कि सारा भाषण यही देंगे तो बाकी क्या बोलेंगे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का भाषण लंबा खिंचने लगा तो राम गोपाल यादव ने इन्हें टोक दिया। बसपा ने स्वामी के पुराने साथी रहे इंद्रजीत सरोज ने कहा कि स्वामी नेता प्रतिपक्ष थे लेकिन मक्खन हमेशा अखिलेश को लगाते थे कि आप कितने भोले हैं। सरोज ने कहा कि कसम खाने वालों से सावधान रहना होगा, जमीन पर काम करने वालों पर ध्यान देना होगा। तन्मय नंदा ने कहा कि 2024 में सत्ता की चाबी हमें अपने पास रखनी होगी। अगर हम यूपी में 40 से 45 सीट जीत गए तो हम ही दिल्ली की सत्ता तय करेंगे। हर बूथ पर कम से कम 20 वोट बढ़ाने होंगे। बच्चन ने कहा कि किसकी छाती कितने इंच की है ये बात मैं नहीं करूंगी, लेकिन अखिलेश जी आपके कंधे बहुत मजबूत हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी सख्त है। इस बार लड़ाई जमकर हो जिससे हम सत्ता में आए। राम गोपाल यादव ने कहा कि सरकार संविधान की हत्या कर रही है, न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं, चीफ जस्टिस के तौर पर जिनका अगला नंबर है वो हो पाएंगे कि नहीं इस पर संशय है। इन हालातों में समाजवादियों को संघर्ष कर संविधान की लड़ाई लड़नी होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सत्ता में दुर्भाग्य से फिर आ गई तो संविधान बदल दिया जाएगा। गरीबों, मजदूरों, पिछड़ों, किसानों में अपील है कि आपसी दूरी मिटाएं, समाजवादी झंडे के नीचे एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकें। सलीम इकबाल शेरवानी ने कहा कि 2024 की शुरुआत भाजपा ने कर दी है। PFI को बैन कर दिया गया है। कोई संगठन देश के खिलाफ हो उसे बैन करें, ऐतराज नहीं है, लेकिन कोई पुराना संगठन है तो उसे अपनी बात रखने का मौका तो दें।